ऐतिहासिक और सबसे लंबे चुनाव के बाद वो घड़ी आ गई है जब ये फैसला हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी सरकार में रहेंगी या फिर वाम मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन इस बार सरकार में आती है। फिलहाल काउंटिंग जारी है और शुरुआती घंटों के रुझान को देखकर साफ है माहौल कि ममता बनर्जी दोबारा से सत्ता में आने वाली है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टीएमसी के ऑफिस में, जहाँ पे कार्यकर्ता टीएमसी के मेरे साथ मौजूद है और आप देख सकते हैं सबके चेहरे पे वो खुशी है और सब उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि वो मौका आए और बस ये सेलिब्रेट करें। और अभी से वो सेलिब्रेशन मोड में आ गए। यहाँ पे कुछ लोग हैं मेरे साथ, इनसे बात करती हूँ। सर, जब शुरुआती रुझान देखें तो नतीजा ममता दीदी के फेवर में आता दिख रहा है। ये शुरू से लेकर आखिर तक ममता दीदी के ही फेवर में आएगा। ये माँ माटी मानुष का जय है। और दूसरी बात जो है, दीदी का जो वहाँ काम किया है, जो उन्नयन है उनका, उनका जो वहाँ एक अच्छा छवि रहा है 5 साल का जो कारीगर वो है, तो उसमें दीदी के सामने कोई टिक नहीं खाते। इनका कहना है जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं कि दीदी के आगे कोई टिक नहीं सकता। क्या लग रहा है कि मन लक्ष्य है कि क्या होगा इस बार, दीदी फिर से सत्ता में आएंगे? और आपका क्या सेलिब्रेशन का क्या प्लान है? दीदी का जो प्लान है वो हमेशा कामयाब रहा। और मोदी जी ने जो कहा था टेरर मनी करप्शन वाली, वो बन गया बीजेपी का, भारतीय जुमला पार्टी का वो जो एक करप्शन वाली बात थी वो बिल्कुल मिट्टी में मिल गया है। आज का क्या प्लान है, सेलिब्रेशन कैसे करने वाले हैं? खुशी का माहौल, लोग खुशी मनाएंगे, थोड़ा रंग खेलेंगे और सब मिठाई बांटेंगे। और दूसरी बात ये है, सबसे सुरक्षित जगह कहाँ क्या होता है दुनिया के अंदर, वो माँ की आंचल। अब तो ममता बनर्जी जो है हम लोगों की माँ है, अब माँ के आंचल के नीचे जो हम सुरक्षित महसूस करते हैं बंगाल के जनता, वो शायद ही कोई पार्टी ऐसे सुरक्षा मतलब दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी कार्यकर्ता है तृणमूल कांग्रेस के यहाँ ऑफिस में, सब में जोश और सब अभी से शुरुआती रुझान को देखते हुए सेलिब्रेशन मोड में आ गए हैं।